तो यहाँ ऑप्शन में हमें चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं इन्वेंटिव और उसमें से हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि करेक्टली स्पेल्ड हो यानी कि जो तीन है हमारे वो कैसे दे रखे हैं हमें यहाँ पे वो दे रखे हैं गलत स्पेलिंग वाले वो हमारे लिए गलत आंसर हो जाएंगे और यहाँ हमें ढूंढना है सही स्पेलिंग वाला जो कि हमारे लिए सही ऑप्शन होगा कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं पहले ही सही स्पेलिंग को साइड में लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि गलत स्पेलिंग सारी ही एक जैसी सी दी हुई होती है तो लिख लेते हैं इन्वेंटिव की स्पेलिंग क्या होती है आई एन वीई एन टी आई वीई ये होती है इन्वेंटिव की सही स्पेलिंग इन्वेंटिव का मतलब होता है कुछ चीज इन्वेंट करना यानी कि कुछ चीज को खोजना ठीक सो so, हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सही स्पेलिंग है वो किससे मैच कर रही है वो हमारी थर्ड ऑप्शन से मैच कर रही है दैट इज आई एन वीई एन टी आई वीई तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा देखते हैं बाकी के ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं वो रॉन्ग क्यों होंगे जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें ए दे रखा है ई की जगह पे तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे क्या है लास्ट में ई e नहीं दे रखा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की यहाँ ए दे रखा है और यहाँ पे ई e भी नहीं दे रखा है तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज इन्वेंटिव जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी है आई होप यू अंडरस्टूड दी एक्सप्लेनेशन थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेगी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर